और अब देश से जुड़ी टॉप नाइन न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, इसे लेकर आज डीडीएमए की बैठक हुई। इस बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क पकड़े जाने पर ₹500 का चालान काटने का प्रावधान किया गया है। वहीं स्कूलों को लेकर फिलहाल सरकार की एसओपी जारी रहेगी और किसी भी तरह की कोई नई पाबंदी नहीं लगाई गई है। कोरोना की चौथी लहर में सबसे ज्यादा बच्चों के संक्रमित होने की आशंका है। दिल्ली में कोरोना वायरस से भर्ती मरीजों में से 27% बच्चे हैं। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी कई स्कूलों में बच्चों के संक्रमित होने की खबरें हैं। मंगलवार को नोएडा में कोरोना के 107 नए केसेस आए, जिसमें 33 बच्चे शामिल हैं। कई संगठन छोटे बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन कराने और स्कूलों को फिर से बंद करने की मांग कर रहे हैं। देश में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के कुल 2067 मामले सामने आए, जो कि एक दिन पहले की तुलना में 820 यानी 66% ज्यादा है। 24 घंटे के अंदर 40 मरीजों की संक्रमण से जान भी गई। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 12,340 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात की राजधानी गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेयेसस का नाम तुलसी भाई रख दिया। अगले 25 साल में भारत के ट्रेडिशनल दवाओं का दुनिया के कोने कोने में प्रसार होगा। इस मौके पर WHO के डायरेक्टर जनरल भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 अप्रैल को जम्मू की प्रस्तावित यात्रा को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस यात्रा में पीएम 2027 करोड़ की लागत से बनी सुरंग का उद्घाटन करेंगे। काजीगुंड से बनिहाल तक 8.45 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी है, जो सड़क के जरिए यात्रा 16 किलोमीटर कम कर देगी। भारत में एक बार फिर बिजली की कमी की आशंका बढ़ने लगी है। नोमुरा की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि आधे से ज्यादा प्लांट कोयले की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में देश गंभीर बिजली संकट की ओर बढ़ रहा है। हालांकि कोल इंडिया ने कहा कि कोयले की कोई कमी नहीं है, कोल इंडिया के पास इतना कोयला है कि एक महीने की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। स्कॉर्पियन यानी कि कलावारी क्लास की आखिरी पनडुब्बी INS वाक्शीर आज मुंबई में लॉन्च कर दी गई। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, जो बेहद सटीक नेविगेशन और ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत बनी सबमरीन है, जिसे घातक हथियारों से लैस किया गया है। बढ़ती महंगाई में एक और झटका लगने जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीमेंट कंपनियां सीमेंट की कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक तेल के बढ़े दामों की वजह से सीमेंट कंपनियां प्रति बोरी ₹50 तक सीमेंट के दाम बढ़ा सकती हैं। पिछले 12 महीने में कंपनियां ₹390 प्रति बोरी कीमत बढ़ा चुकी है। कार और टू व्हीलर मार्केट में भी जल्द ही महंगाई का चाबुक चलने वाला है। आने वाले दिनों में हर सेगमेंट की कारों और टू व्हीलर की कीमतों में इजाफा होने वाला है। दरअसल अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्टील, कॉपर, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, पैलेडियम जैसे बेयर मटेरियल की कीमतें काफी तेजी के साथ बढ़ी हैं। कंपनियों के मुताबिक स्टील के दाम एक साल में 50% बढ़े हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की कीमत बढ़नी तय मानी जा रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।